हेलो हाय नमस्कार दोस्तों, एक और कारण हम आपको बताएंगे जिसमें आपका एम्पलीफायर 1000 वाट पहले जब नया लिए थे तो अच्छा बज रहा था, लेकिन अभी आउटपुट इसका कम हो गया है और आवाज़ पूरा वॉल्यूम चढ़ाने के बाद भी आपका आवाज़ जो है क्लियर नहीं निकल रहा है और कम निकल रहा है, आउटपुट कम निकल रहा है। और आपको ऐसा लग रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ, मेरे एम्पलीफायर में। आपने रिपेयरिंग भी कराया लेकिन आपको समझ में नहीं आया है, तो एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको दे दूंगा। और एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है लेकिन बहुत बड़ा काम का चीज़ है दोस्तों। आपका वोल्टेज भी ठीक ठाक है, मान के चलिए कि आपका सारे वोल्टेज ठीक ठीक है, तो जहाँ वोल्टेज ठीक है वहाँ पर प्रॉब्लम होगा ही नहीं। जहाँ वोल्टेज ठीक है वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं। कलेक्टर का वोल्टेज ठीक है, वॉइसिंग वोल्टेज भी ठीक है और ड्राइवर बोर्ड भी ठीक है, बेस ट्रेबल भी ठीक है, सारे वॉल्यूम भी ठीक है, फिर भी आउटपुट कम निकाल रहा है। मान लिया कैपेसिटर कभी कभी ख़राब होता है तो इसका आवाज़ ख़राब होता है और आउटपुट कम निकालता है, लेकिन अभी सब कुछ ठीक है। लेकिन जो एक यूनिक चीज़ मैंने देखा है इसमें, कभी कभी क्या होता है, हर एक एक ट्रांजिस्टर पर एक एक रेजिस्टेंस लगाया हुआ रहता है। इसका आप नंबर आप देख सकते हैं, सारे ट्रांजिस्टर पे यही नंबर का रहता है। आप एक एक रेजिस्टेंस आप देख लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। E 39 15 वाट। तो ये होता क्या है, कभी कभी तीन 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 सारे जगह में लगा हुआ है, चैनल ए में भी और चैनल बी में भी। तो इसमें से मान के चलिए एक भी वर्क करना बंद कर दे तो जाहिर सी बात है आप समझ जाइए कि एक ट्रांजिस्टर का आउटपुट रुक गया, दूसरा ट्रांजिस्टर खराब होगा, दूसरा ट्रांजिस्टर का आउटपुट रुक गया, वो स्पीकर तक पहुंच ही नहीं पाएगा तो आवाज़ कहाँ से निकलेगा। जितना ट्रांजिस्टर आपको सही वर्क करते रहेगा आपका आउटपुट उतना अच्छा तरीका से आपको भेजेगा। अभी एक दो ट्रांजिस्टर इसमें से वर्क नहीं कर रहा है, यानी कि रेजिस्टेंस या तो खराब हो जाता है या तो फिर आप देखिएगा ऐसे हिलना शुरू, ये देख सकते हैं ये हिलना शुरू करता है, यानी कि आपका जो सोल्डरिंग है इसको खोल करके आप देखिएगा तो ये छोड़ा हुआ रहता है, तो ये अच्छी तरीके से वर्क नहीं करता है तो कहाँ से आपका आउटपुट निकल जाएगा दोस्तों। ये एम्पलीफायर में मैंने वो प्रॉब्लम जो बताया था वो कस्टमर में, मैंने जब देखा तो सब कुछ ठीक था, फिर मैंने इसको देखा तो सारे का सारे ट्रांजिस्टर हिल रहा था और इतना ज़बरदस्त ये बजने लगा ना कि मत पूछिए। ये सारे का सारे ट्रांजिस्टर, ये इस पर बहुत सारे लोग ध्यान नहीं देते हैं, मैकेनिक लोग भी ध्यान नहीं देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि इसी पे आउटपुट निकलता है। ये रेजिस्टेंस जो है ना इसी पे, एक बात समझ लीजिए कि इसी पे, तो एक एक किट को खोल करके आपको देखना पड़ेगा और इसको आपको पूरा सोल्डिंग और इसको मीटर से ओम्स चेक करके आपको वापस अच्छे तरीके से सोल्डिंग कर ले, आपका आवाज़ पहले के जैसा एकदम नया के जैसा क्लियर साउंड में आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों ये जानकारी यदि कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो ज़रूर हमें फिर से कमेंट में आप बताइएगा और अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें। नमस्कार।